आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। इतवार की इस अलसाई सी सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का यह संडे स्पेशल, यानी आपकी इतवार को खास बनाने की यह हमारी छोटी सी कोशिश। आज मेरी आवाज सुनो में हम आपको दिखाएंगे कि ओबामा की दोबारा जीत में मुस्लिम कौम के लिए क्या मायने छुपे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं हिंदुस्तान हमारा का ये संडे स्पेशल। अब वक्त है मिर्च मसाला का। मिर्च मसाला यानी सियासी नेपथ्य में बेतरतीब पसरे उन चुप सन्नाटों से बदकहियों की एक छोटी सी कोशिश। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले के आटे। गीतिका शर्मा कत्ल सहने से चर्चा में आए गोपाल कांडा और मुसीबतों का जैसे चोली दामन का साथ हो। अभी दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं जो कांडा केस की पेचीदगियां और भी बढ़ा सकते हैं। जराए बताते हैं कि गोपाल कांडा के भाई और उनके कानूनी सलाहकारों की बातचीत का टेप दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें कांडा के कानूनी सलाहकार मुस्तबा तौर पर उनके भाई से कहते पाए गए हैं कि इस केस में अंतरिम जमानत के लिए उन्हें एक मोटी रकम खर्च करनी होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान कांडा के भाई ने कोई 20 दफे अपना मोबाइल नंबर बदला, फिर भी वे दिल्ली पुलिस की नजरों से नहीं बच पाए। आज के संडे स्पेशल में सबसे पहले बारी है मेरी आवाज सुनो पेश करने की। मेरी आवाज सुनो में आज हम दिखा रहे हैं कि ओबामा की इस हालिया जीत का मुस्लिम कौम के लिए क्या मायने हैं। क्या अमेरिकी लोगों का अब मुसलमानों के बारे में नजरिया बदलेगा? ऐसे ही बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश रहा है आज का मेरी आवाज सुनो, जिसमें हम कौम की आवाज में अपनी आवाज शामिल करते हैं। बराक ओबामा एक बार फिर से अपने दूसरे टर्म के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। उन्होंने लंबे कशीदगी भरे और महंगे इंतखाब के बाद 303 वोट्स पाकर अपने मद मुकाबिल रिपब्लिकन मिट रोमनी को हरा दिया। दरअसल ये जीत उन मुसलमानों के लिए भी बहुत मायने रखती है जिन्हें अमेरिकी इंतखाब के दौरान बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा है। अमेरिका यानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के इलेक्शन में मुकाबला दो चुनिंदा पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ नजरिए में था, जिसमें बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। इस बार के इंतखाब में एक खास मुद्दा जोरों शोर से उछला। इस मुद्दे ने अपना रंग भी जमाया। वो मुद्दा था इस्लामोफोबिया का। अमेरिका में बसे मुसलमानों को मुल्क के लिए खतरा बताकर वहां की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकन्स के वोट लेना चाह रही थी। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बराक ओबामा, जो खुद हाफ मुस्लिम हैं, उन्होंने खुद को इस मसले से अलग रखा था। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने इंतखाब से पहले एक सर्वे कराकर खुलासा किया था और बताया था कि सर्वे में शामिल 68% मुसलमानों ने कहा था कि वो ओबामा को दोबारा चुनना चाहते हैं, जबकि महज 7% मुसलमानों ने कहा था कि वो उनके मद मुकाबिल और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट मिट रोमनी को चुनेंगे। ओबामा की जीत के बाद ये सर्वे कई मायनों में ठीक साबित होता है। भेड़ की खाल में भेड़िया, स्टील्थ, जिहाद जैसे जुमलों का इस्तेमाल अमेरिका में रह रही मुस्लिम कौम के लिए इन दिनों काफी बड़ा। इनके जानिब नफरत पैदा करने के पीछे बड़ी वजह यहाँ के हालिया इंतखाब माने गए। ट्राइंगल सेंटर ऑन टेररिज्म एंड होमलैंड सिक्योरिटी की एक स्टडी के मुताबिक 2011 में पूरे अमेरिका में तकरीबन 14,000 कत्ल हुए, जिनमें से कोई भी मुजरिम मुस्लिम कौम से नहीं था। मेरी आवाज सुनो का ये सफर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वहीं ईसाई मजहब में भी देखें तो ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जो इस्लाम को लेकर नफरत पैदा कर मस्जिद और पाक कुरान शरीफ को जलाने से भी पीछे नहीं हट रहे।